भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है क्योंकि आज हम देश की आजादी का 78वां जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वजारोहण किया, तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री बच्चन लाल शर्मा ने आज पुरानी परंपरा के मुताबिक जयपुर की चार दीवारी स्थित बड़ी चौपड़ पर आयोजित कार्यक्रम में झंडारोहण किया। परंपरा रही है कि जयपुर में सत्ता पक्ष की ओर से हर साल बड़ी चौपड़ पर विशेष आयोजन कर स्वतंत्रता दिवस और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडारोहण किया जाता है। आज मुख्यमंत्री बच्चन लाल शर्मा के साथ बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर, विधायक हवा महल बाल मुकुंदाचार्य समेत बीजेपी के कई पूर्व पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ध्वजारोहण की तस्वीरें शेयर करते हुए मुख्यमंत्री बच्चन लाल शर्मा ने एक्स पर लिखा कि नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो 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 नगादिराज श्रृंग की विहारिणी, राष्ट्रीय गौरव के महापर्व 78वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण कर भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अद्वितीय त्याग और अटूट समर्पण के साथ सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों का स्मरण कर उन्हें सादर नमन किया। जय हिंद, जय भारत। वहीं सवाई माधोपुर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री की हैसियत से ध्वजारोहण तो कर दिया, हालांकि उन्होंने समारोह में भाषण देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। वहीं दौसा जिला मुख्यालय स्थित पंडित नवल किशोर शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह मनाया गया, जहाँ पर सुबह 9:05 पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान। सरपंच, ग्राम पंचायत रोडी सर कमल कुमार एवं प्रकाश दान ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रोडरी सर की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों से हार्दिक अपील, जन्म मृत्यु व विवाह का पंजीयन अवश्य करवाएं, बिजली व पानी बचाएं एवं वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाएं, ग्राम सभा में भाग लेवे, शिक्षा को बढ़ावा देवे, ग्राम पंचायत में स्वच्छता बनाए रखें, श्रमिक कार्ड एवं आधार कार्ड बनवाएं, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पंजीकरण अवश्य करवाएं, कूड़ा कचरा पात्र में ही डालें, गांव को साफ सुथरा बनाएं, खुले में शौच ना करें, शौचालय को बनाकर उसका नियमित उपयोग करें, विधवा विकलांग वृद्धावस्था एवं पालनहार योजना में पात्र अभ्यर्थी पंजीकरण करवा कर लाभ लेवें, पंचायत राज की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठावें, ग्राम पंचायत में अतिक्रमण नहीं करें।